नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हो कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस HCM जो वैकेंसी निकला है 2022 का, जो कि 2021 में आने वाला था, जो लॉकडाउन के कारण और भी कई सारे रीजंस के कारण 2022 में अभी इसका जो वैकेंसी है वो आ चुका है, और अभी जो उसका फॉर्म जो है वो ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो गया है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी से इसी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, आप लोगों को कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, उसके बाद इसका सैलरी कैसा रहेगा, दिल्ली पुलिस में लाइफस्टाइल कैसा रहता है, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो इन सभी विषय में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई सा भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो, आप लोग मुझे वहां पे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, पहले हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का जॉब कैसा है। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के जो जॉब प्रोफाइल है उनमें क्या डिफरेंस है। जो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का वैकेंसी अभी 2020 में आया था, जो 2021 में जिन लोगों का ट्रेनिंग शुरू हुआ है, जो लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों का जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा। उन लोगों का अभी 9 महीने का ट्रेनिंग होता है, 9 महीने का ट्रेनिंग के बाद उन लोगों का पोस्टिंग आ जाता है कई सारे पुलिस स्टेशन में, कई सारे ब्रांच में, तो इन लोगों का फील्ड का नौकरी रहता है। और जो दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का जॉब प्रोफाइल है, आपको जो ग्राउंड का नौकरी है, फील्ड का नौकरी, जैसे पुलिस स्टेशन में आप लोगों का पोस्टिंग हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों का जो नौकरी है, आप लोगों का ड्यूटी है, वो ऑफिस में आप लोग पोस्टेड होंगे। ऑफिस में ऑफिशियल जो वर्क है हर किसी तरीके का, दिल्ली पुलिस में कई सारे यूनिट्स है, कई सारे जो सेक्शन है, ऑफिस वगैरह है, उसमें आप लोगों का जो पोस्टिंग है वो आप लोगों का किया जाता है। और इसका जो लाइफ स्टाइल है, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल हो या फिर दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, इन लोगों का लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। आप लोग देश की राजधानी में आप लोग अपना नौकरी करोगे, देश की राजधानी में रह के आप लोग मतलब बहुत ही एक प्राउड का बात है कि दिल्ली पुलिस में आप लगते हो। और जो सैलरी है बहुत ही अच्छी सैलरी, मैं अभी आगे आप लोगों को सैलरी भी बताऊंगा कि क्या क्या सैलरी, कैसा कैसा सैलरी, क्या क्या इंसेंटिव आपको मिलेगा, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या क्या सैलरी मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद आपको कैसा सैलरी मिलेगा, और जो आप अपने फैमिली को यहाँ पे ला सकते हो या नहीं, सभी विषय में मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहले तो ये आप लोगों से बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन का जो शुरुआत कब से है और कब तक ये एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो ऑलरेडी शुरू हो चुका था 17/5/2022 से 16/2/2022 तक आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो आप लोग SSC के वेबसाइट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो स्टेजेस है कैसे आप लोग दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में आ सकते हो, जो टोटल 4 स्टेजेस है। जो पहला स्टेज है वो जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखिए कई सारे बहुत ही लाखों लोग इसमें अप्लाई करेंगे, उसमें से जो पहला स्टेज है उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप लोगों का होगा, जो कि 100 मार्क का आपको क्वेश्चन होगा और 90 मिनट्स आपको समय दिया जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल्स से बताऊंगा कि कैसे कैसे जो एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। पहले कंप्यूटर एग्जाम होगा, उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेजरमेंट होगा, फिर आपका कंप्यूटर का जो टाइपिंग स्किल है उसका टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग कैसे होगा, कितने टाइम का ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद ट्रेनिंग में आपका सैलरी कैसा रहेगा, ट्रेनिंग के बाद आपको कैसा पोस्टिंग दिया जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी कैसा रहेगा, छुट्टी का क्या सीन है, सभी विषय में मैं आज इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो पहला जो पॉइंट है कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है उसमें आप लोगों का 100 मार्क का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.50, मतलब 2 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आप लोगों का 1 क्वेश्चन 1 मार्क आपका माइनस हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को ये देखना है कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत ना हो, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना है। और जो 2021 में इसका वैकेंसी आने वाला था, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादातर लोग तभी से आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हो इसके इस दिल्ली पुलिस के लिए, और जो अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, आप लोग ऐसा सोचने की गलती मत कीजिए कि सितंबर महीना अभी कई सारे महीने बाकी है, आराम से तैयारी कर लेंगे, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आप लोग यहाँ पे जैसे कि कोई एक बंदा ऐसा सोच रहा है कि अभी बहुत टाइम है पढ़ लेंगे, और कोई एक बंदा काफी महीनों से ऑलरेडी तैयारी कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि किसको जॉब मिलेगा, उसको मिलेगा या आपको मिलेगा। तो आप लोग कोई सा भी कसर मत रखिए, अगर आप लोग अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हो तो अभी अभी से शुरू कर दीजिए। तो मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या तैयारी करना है। तो पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें आपका जो लैंग्वेज मोड रहता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश, बस 2 ही मोड रहता है। हिंदी में जो यहाँ पे लोकल है, दिल्ली का, यूपी का, राजस्थान का, बिहार का, हरियाणा का, वो लोग, इन लोगों को ज़्यादातर हिंदी आता है, तो आप लोगों के लिए आसान ये रहेगा कि हिंदी में आपका एग्ज़ाम है। और जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता है उन लोगों के लिए इंग्लिश मोड में है, बस 2 ही मोड में एक जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा। और जो
कट ऑफ आपका कैसा रहेगा, कट ऑफ जो है, जो वैकेंसी है टोटल 559 मेल का और जो 276 फीमेल का है, उन लोगों से 20 गुना वैकेंसी जो कैंडिडेट है उन लोगों को फिजिकल के लिए अलाउ किया जाएगा। तो आप लोग उसके बाद आता है फिजिकल, जो आप लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोगे वो कहाँ होगा, वो आपके रीजियनल जो SSC का एग्जाम होता है आपके स्टेट में ही, ज़्यादातर आप लोगों के स्टेट में ही, या फिर अगर आपका गाँव छोटा है तो आपके आसपास का जो बड़ा कोई शहर है वही आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम है वो होगा। उसके बाद आता है जो फिजिकल, उसके बाद का पूरा प्रोसेस आपका दिल्ली में ही होगा, जो मेडिकल हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, टाइपिंग स्किल हो गया, वो सभी के सभी आप लोगों का दिल्ली में होगा। और इसके सैलरी की बात करते हैं, जो कि सैलरी का पे लेवल है उसका 25,500 से लेकर 81,100 तक आप लोगों का सैलरी का जो पे लेवल है वो है। और जो ट्रेनिंग टाइम पे आपका सैलरी, मैं अभी लास्ट में इसमें बताऊंगा कि ट्रेनिंग टाइम पे कैसा मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद क्या मिलेगा। और जो वैकेंसीज टोटल है 559 मेल वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टोटल 559 मेल मेल वैकेंसी जो है टोटल 559 का है, जिसमें जनरल का 217 और EWS का 50, OBC का 123, SC का 59 और ST का 54, टोटल 503। और जो एक सर्विस मैन है, इन लोगों के लिए जनरल का 24, EWS का 6, OBC का 14, SC का 6 और ST का 6। और उसके बाद फीमेल्स की जो बात करते हैं, 276 पोस्ट है, जिसमें जनरल का 119, EWS का 28, OBC का 67, SC का 32 और ST का 30। और तो ये हो गया टोटल वैकेंसी कितना है, काफ़ी कम वैकेंसी है, मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग काफ़ी टेंशन में हो, काफ़ी कम वैकेंसी है, तो एग्ज़ाम भी काफ़ी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, काफ़ी टफ होने वाला है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि टफ या इजी आप इन पे ध्यान मत दीजिए, आप पूरे शिद्दत से आप कोशिश कीजिए, अगर आप शिद्दत से पूरे लगन से तैयारी करते हो तो आप लोगों को कोई सा भी जॉब आपको मिल सकता है। जैसे कि मैंने कोई सा भी कसर नहीं रखा था अपने तैयारी में, तो मुझे आज ये वर्दी हासिल हुआ। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग भी बहुत ही शिद्दत से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, चाहे ये ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन आप किस किस चैनल से तैयारी कर सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो तो मैं ये बता दूंगा कि ऑफलाइन में कौन कौन से बुक्स आपको खरीदने हैं, और कोचिंग सेंटर अगर आप दिल्ली में हो तो कोचिंग सेंटर कहाँ कहाँ अच्छा है वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो अभी बात आती है कि एज लिमिट क्या है, 18 से 25 साल तक एज लिमिट है, और रिलैक्सेशन जो है वो SC ST को 5 साल तक और OBC के लिए 3 साल तक, और जो विडो डिवोर्स्ड है उन लोगों को 35 साल तक UR का और 38 OBC और 40 साल तक SC ST का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। और जो स्पोर्ट्समैन है, जो नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे जो स्पोर्ट्समैन है, उन लोगों का 5 साल तक मैक्सिमम आपको एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो दे दिया जाता है। और कई लोग पूछते हो कि सर मेरे पास NCC का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है, तो क्या क्या उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो जिन लोगों के पास सी सर्टिफिकेट है उन लोगों को 5% का, जिन लोगों के पास बी सर्टिफिकेट है उन लोगों को 3% का, और जिन लोगों को ए सर्टिफिकेट है उन लोगों को 2% का आप लोगों को जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, और एग्ज़ाम टाइमिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो फिजिकल जो पहले जो स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें जनरल अवेयरनेस की 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और अर्थमेटिक स्किल जो कि मैथमेटिक्स है उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जनरल इंटेलिजेंस का 25 मार्क का, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन वगैरह है वो 25 मार्क का, और उसके बाद कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन आता है जो कि 10 मार्क का आपका होता है। उसके बाद आता है आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, जो कि बहुत ही आसान है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल टेस्ट आपको 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है, और जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में है वो आपको अप टू 30 साल तक की उम्र के लोगों के लिए 1600 मीटर का जो रेस है वो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और जो ये एक ही चांस आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको अगर आप 7 मिनट में 1600 मीटर का रेस कंप्लीट कर पाते हो, उसके बाद आपको जो लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और हाई जंप के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि आपको तीन तीन चांस आपको मिलेंगे। और जो 30 से 40 साल के बीच में है उन लोगों को 1600 मीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना होता है, साढ़े 11 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट 3 इंच का हाई जंप रहता है। और जो फीमेल्स के लिए वही 800 मीटर का आपको रनिंग है, जो कि 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और 9 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप, जो कि 30 से 40 साल की उम्र के लोग हैं जिन लोगों के लिए 800 मीटर का 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और जो 8 फीट का लॉन्ग जंप और 2.5 फीट का हाई जंप होता है।
और जो मैं आपको फिर से ही बता देना चाहता हूँ कि आपको जो रनिंग में आपको एक ही चांस मिलेगा, उसके बाद फिजिकल में लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको तीन तीन चांस मिलेगा। इन तीनों चांस में आप किसी भी पहले चांस में अगर आपका नहीं हुआ तो दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में आप कर सकते हो। तो अभी बात आती है कि हाइट का क्या सीन है, मैं आपको अभी फिर से यही बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में हाइट 170 सेंटीमीटर था और इसमें 165 सेंटीमीटर है, और जो 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल जिन लोगों को जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, और जो ST कैंडिडेट है, इन लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आप लोगों को तभी एप्लीकेबल होगा अगर आप लोगों को एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अपने कॉन्सर्न डिस्ट्रिक्ट के DM, SDM या फिर तहसीलदार से कि आप लोग हिली एरिया से या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों को 5 सेंटीमीटर का उसमें आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और फीमेल्स के लिए भी सेम है, फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है और जो रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, वही जो मेल्स का जैसे कि रिलैक्सेशन मिलता है आपको, ऐसे आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और जो उसके बाद आएगा आपका मेडिकल टेस्ट, जो सारे का सारा प्रोसेस आपको क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट आपको आता है, जो सारा का सारा प्रोसेस क्लियर करने के बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट आता है। कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या रहेगा, तो आप लोगों को बिना चश्मे के आप लोगों को कई सारे नंबर दे दिए जाएंगे, उन लोग वो सारे नंबर्स आपको पढ़ने हैं। कलर ब्लाइंडनेस का भी आपको टेस्ट करवाया जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस तो आपका नहीं है, तो ये सभी आप लोगों को कराया जाएगा। तो और जो आई साइट है आपका 6x12 आपका आई साइट होना चाहिए। उसके बाद सभी आपका मेरिट निकलेगा कि किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किन किन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर सबसे मेन जो पार्ट है आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है, और उसके बाद आपका आता है जो लास्ट में आपका आता है टाइपिंग टेस्ट, जिसमें तीन स्टेज में आपका होगा। 10-10 मिनट का आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और जो पावर पॉइंट है 10-10-10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें आपको टाइप करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट निकलेगा। उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और ट्रेनिंग जो है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ट्रेनिंग 9 महीने का होता है, और इसका ट्रेनिंग जो है 4 महीने का होगा, और काफ़ी आसान ट्रेनिंग रहती है। आप लोगों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होगा या नहीं, इतना हार्ड नहीं होता है, बेसिक ट्रेनिंग रहता है। और जो ट्रेनिंग टाइम में आपका जो सैलरी है, अभी सैलरी की बात करते हैं, ट्रेनिंग टाइम में आपको कैसा सैलरी मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगा, तो ट्रेनिंग टाइम पे आपका सैलरी मिलेगा जो कि आपको बेसिक है 25,500, इसके साथ आपको DA मिलेगा और रेशन मनी मिलेगा, तो अराउंड लगभग 32 से 35,000 तक आपको ट्रेनिंग टाइम में सैलरी मिल जाएगा। और जो ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्टिंग आएगा कई सारे ऑफिस में, कई सारे ब्रांच में आपका पोस्टिंग आएगा, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी जो रहेगा HR है आपका, और भी कई सारे जो अलावेंस है आपका जुड़ जाएगा, जो अलावेंस है वो जुड़ जाएगा, HRA भी जुड़ जाएगा, DA, HRA, रेशन मनी, साइकिल अलावेंस, कई सारे जो अलावेंस वगैरह है वो जुड़ के आप लोगों को मतलब 42 से 45,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया जॉब है दिल्ली पुलिस में। आप लोग जो मैं ये जो बेल्ट की नौकरी में हेड कॉन्स्टेबल लेवल में जो भी इंडिया में नौकरी है, मैं दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का बहुत ही बेस्ट नौकरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो आप लोग बहुत ही जी जान से मेहनत कीजिए ताकि इसी ट्राई में आपका हो जाए, ताकि आप लोग अपना सपना जो है दिल्ली पुलिस में लगने का, चाहे वो कांस्टेबल अगर आप नहीं लग पाए हो, कांस्टेबल में आप लोग का को थोड़े से मार्क के लिए रह गए हो, और अभी आप लोग दिल्ली पुलिस HCM में ट्राई करोगे, तो बहुत ही शिद्दत से आप तैयारी कीजिए, नौकरी लग जाएगी तो आपका लाइफ बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ही चेंज हो जाएगा, आप लोग अपना सपना पूरा कर सकते हो। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है, आप लोगों की फैमिली को आप दिल्ली में ला सकते हो, जो दिल्ली से बाहर से आएंगे, जो दिल्ली में रहते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया नौकरी है, जो दिल्ली के बाहर से लोग बिलोंग करते हैं वो लोग भी आपकी फैमिली को यहाँ पे ला सकते हो। और छुट्टी भी काफ़ी सर, छुट्टी में आप छुट्टी के रिगार्डिंग भी आपको एक और वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसा कैसा क्या क्या छुट्टी रहता है। तो बहुत ही बढ़िया नौकरी है, एक नंबर नौकरी है इस रेंज में, मतलब हेड कांस्टेबल की रेंज में, कई कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, दिल्ली पुलिस बहुत ही बढ़िया नौकरी है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि क्या क्या सीन है, कैसा कैसा प्रोसेस रहेगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही जी जान से शिद्दत से अपना तैयारी जो है वो कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या क्या और जानकारी चाहिए, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए सभी जानकारी है वो लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।